हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर से हम बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो कल आपने देखा ही होगा दोस्तों कि मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम था, बैंक निफ्टी बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ पर बंद हुआ था। तो मैंने यही बोला था कि अगर बैंक निफ्टी दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग लेता है, ठीक है, तो जब तक इजीली तरीके से 33,000 का लेवल नहीं क्रॉस करता, जब तक आपको पोजीशन नहीं लेना है। 33,000 का लेवल भी क्रॉस किया और यहाँ आराम से 32,800 तक भी उसने मोमेंटम दिखाया और वो यहीं पर घूम रहा था, क्योंकि दोस्तों 32,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसने पूरा यहीं पर टाइम बिताया, ठीक है। बहुत बार देखिए, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पुट राइडर को बहुत ट्रेडिंग करने का मौका मिला, ठीक है। बार बार स्टॉक 32,000 मतलब बैंक निफ्टी 32,000 आया और 33,000 आया और 33,000 से 32,800 आया, ठीक है। कॉल राइडर दोस्तों यहाँ पर ट्रिप हो रहे थे। कॉल राइडर ट्रिप कैसे हो रहे थे, देखिए यहाँ पर बाइंग उनको सूझ नहीं रही थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि बाइंग पोजीशन ले कि नहीं ले, क्योंकि 32,800 आया, ऊपर जा रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कब रिवर्सल दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहे थे, जो बायर्स थे ना, ठीक है, कॉल राइडर थे, वो यहाँ पर ट्रेप हो रहे थे, ठीक है। प्रॉब्लम यही देखने को मिली। अगर वो प्रीवियस में देखते ना कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, तो उनको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आती कि हाँ, इस यहाँ से लेवल ऊपर जा रहा है तो यहाँ से ब्रेकआउट भी मिल सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ से जब वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो एक्सपेक्टेशन यही रह रहा था कि दोस्तों 33,000 के लेवल पर ब्रेकआउट मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, और 33,200 का लेवल है कल का क्लोजिंग प्राइस, उसके भी ऊपर मोमेंटम मिलेगा। लेकिन ऐसे जो सेलर है वो नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि दोस्तों उनको पुट में काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था, छोटा टारगेट रख रहे थे, बड़े स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे थे जो सडनली अचीव हो रहा था, ठीक है। तो ये मोमेंटम रहा था बैंक निफ्टी में, ठीक है, और अभी भी सेम वही मोमेंटम है। देखिए बैंक निफ्टी गिरा हुआ है, ठीक है, बैंक निफ्टी गिरा हुआ है, तो जब तक यहाँ पर देखिए कल की डेट में 32,600 का लेवल नीचे के साइड में ब्रेक नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि आप पोजीशन मत बनाइएगा, ठीक है। मान लीजिए 32,800 पे आज का क्लोजिंग मिला है हमें बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए 200 पॉइंट गैप ऑफ ओपनिंग भी ले लेता है, ठीक है, मतलब 33,000 पे ले लेता है, ठीक है, या 32,600 पे ले लेता है, क्योंकि अभी क्लोज ये मिड में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उसने गैप ऑफ ओपनिंग लिया ना, ठीक है, तो वो इस गैप को जरूर फिल करने आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है। और गैप को फिल करने में अगर मान लीजिए यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो गए, पुट राइडर आ गए, तो वो उसको 32,600 पे भी ला सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है, 32,600 का लेवल जब तक नीचे के साइड में ब्रेक नहीं होगा, आपको पोजिशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये मान लीजिए अगर यहाँ से वो रिवर्सल देता है, रिवर्सल मतलब मान लीजिए गैप ऑफ ओपनिंग ले रहा है, रिवर्सल दे रहा है यहाँ से, जैसे यहाँ से बार बार दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर 33,000 का लेवल ऊपर के साइड में ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपको पोजीशन नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आप फंस जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर इस प्रकार से मोमेंटम कल भी देखने को मिला तो आप फंस जाओगे। और मान लीजिए कि अगर फ्लैट ओपन होता है, मान लीजिए 32,900 पे बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, तो वो डेफिनेटली हमें गिरावट दिखाएगा, और गिरावट कहाँ पर होना चाहिए, 32,600 के नीचे, तो ही पोजीशन लेना है। और गैप डाउन ओपनिंग भी अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी लेता है 32,700 के आसपास, तो भी 32, मतलब कुल मिला के ये है, कुल मिला के सीधे बैंक निफ्टी किसी भी प्रकार से ओपन हो रहा है, ठीक है, बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग भी ले रहा है, ठीक है, 33,000 के ऊपर अगर उसने बड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग लिया तो वो रिवर्सल देने जरूर आएगा, मतलब 32,800 के लेवल पर जरूर आएगा, वेट करिए, फिर रिवर्सल दे के अगर मान लीजिए 33,000 का लेवल ब्रेक करता है तो ही पोजीशन लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। बड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग लेता है बैंक निफ्टी, बड़ा सा गैप डाउन 32,600 के नीचे अगर लेता है गैप डाउन, ठीक है, तो वहाँ से दोस्तों रिवर्सल आने का कंफर्मेशन है कि वो 32,800 पे जरूर आएगा, ठीक है, उसके बाद वो फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जब तक वो 32,600 के नीचे नहीं आएगा, जब तक आप पोजीशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये दो ही, मतलब ये जो 400 पॉइंट की रेंज है ना बैंक निफ्टी के लिए, यही इंपॉर्टेंट है। 32,600 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, 500 का फटाक से होगा और मोमेंटम डाउनसाइड आ जाएगा 32,000 के लेवल के आसपास, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करके चलेगा। 33,000 के ऊपर तो अभी कंसोलिडेट का मोमेंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए हम कॉल राइडर को देख लेते हैं, पुट राइडर को देख लेते हैं कि कौन से स्ट्राइक पर किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के लिए NSE के साइड पर, बैंक निफ्टी लगा लिया 23 जून का एक्सपायरी। कॉल में हम देखेंगे वॉल्यूम, ठीक है, और पुट में भी सेम यही देखेंगे। अब कॉल राइडर यही चाहेगा कि बैंक निफ्टी अभी क्लोज़ हुआ है 32,800 पे,
मिस्टेक है, तो वो आ जाए 33,000 या 33,500 पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, हम फोकस करते हैं सबसे पहले 33,000 के लेवल पे, ठीक है। तो चलते हैं नीचे और आ जाते हैं 33,000 के लेवल पे। 33,000 का लेवल क्या बोल रहा है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये है 33,000 का लेवल, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस बहुत छोटा हो चुका है, तो फोकस करने के लायक नहीं है, ठीक है। जो हाई रिस्क ट्रेडर रहते हैं वही ये काम करते हैं। देखिए 45.5 लाख क्वांटिटी का वॉल्यूम ज़रूर है, लेकिन मोमेंटम मिलना बहुत कम है, क्योंकि 23 तारीख कल एक्सपायरी भी देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो मिलना बहुत आपको, मतलब ये स्ट्राइक प्राइस पे काम करना बिल्कुल भी हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एट द मनी पे चलते हैं, मतलब ऊपर की साइड ही चलते हैं, ठीक है। तो 33,000 ये आ गया, हम फोकस करते हैं दोस्तों 32,500 पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें स्ट्राइक प्राइस भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये देखिए स्ट्राइक प्राइस भी बहुत अच्छा, लेकिन वॉल्यूम की कंडीशन कम रहेगी। तो जैसे जैसे हम पास में आएंगे ना 33,000 के लेवल पे, जैसे कि मान लीजिए 32,700, 800, 900 और 33,000 खुद, तो ये स्ट्राइक प्राइस हमें बहुत अच्छे दिखेंगे, ठीक है। तो इन पे हम बढ़िया से काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 33,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, 33,100 का जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ, तो आप आराम से 32,800 के लेवल पे, ठीक है, 32,700 के लेवल पे, या मान लीजिए 32,900 के लेवल पे आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 स्ट्राइक प्राइस अच्छा रह सकता है हमारे लिए, क्योंकि दोस्तों एक्सपायरी का माहौल है, ठीक है। प्रीमियम डीके ज़्यादा होगा, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कंसोलिडेटेड मूवमेंट बैंक निफ्टी में ज़्यादा होने लगा, ठीक है, 32,000 के लेवल के ऊपर, 33,000 का लेवल इसने जैसे ही ब्रेक किया बैंक निफ्टी में, ठीक है, ये लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड अगर मूवमेंट होने लगा तो ये प्रीमियम डीके होंगे। और खास करके जो छोटे प्रीमियम पे हम काम करेंगे, जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, ये काफ़ी तेज़ी से डीके होंगे, ठीक है। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये 32,700, 32,800, 32,900, ठीक है, इन 3 स्ट्राइक प्राइस पर काम करेंगे। कब, जब 33,000 का लेवल क्रॉस होगा तब, और आराम से दोस्तों हमें मोमेंटम मिलेगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करेगा, और ज़्यादा बड़ा टारगेट कल का मत सोचिएगा, ठीक है। कल आप 50 पॉइंट का टारगेट और 50 पॉइंट का एसएल लेके चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी वाला माहौल है। अब आ जाते हैं पुट राइडर की तरफ। पुट राइडर में भी वॉल्यूम देखेंगे, तो पुट राइडर के लिए भी हमें दोस्तों यहाँ पर तो कुछ अच्छा मोमेंटम दिखेगा नहीं, ठीक है, 32,500 के आसपास, क्योंकि पुट राइडर तो ये सोचेगा कि बैंक निफ्टी अभी क्लोज हुआ है 32,800 पे, तो वो मेरे तरफ आए, मतलब 32,500 के करीब आए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमें 33,000 को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 33,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है बहुत अच्छा है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, 33,100 का भी स्ट्राइक प्राइस अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद 32,900 का स्ट्राइक प्राइस भी अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, 32,800 का स्ट्राइक प्राइस भी अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है। कब हमें पोजीशन लेना है बता दिया मैंने, 32,600 का लेवल ब्रेक होगा तभी दोस्तों हमें इन चारों स्ट्राइक प्राइस पे से किसी में काम करना है। देखिए 33,100 का छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये महंगा हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसमें वॉल्यूम भी कम है। तो 33,000 का हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा 32,900, 32,800, ठीक है, ये हमारे लिए तीनों जो स्ट्राइक प्राइस है बहुत अच्छे रहेंगे, और यहाँ पर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए मार्केट में प्रेशर है, तो आराम से अभी जो सेलर है वो दोस्तों 80% कंफर्म करके बैठे हैं कि बैंक निफ्टी 32,600 के नीचे जाएगा, तो हम आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए छोटे स्ट्राइक प्राइस उनके लिए होते हैं जो हैवी क्वांटिटी बाय करते हैं, ठीक है, और छोटे मोमेंटम को क्या करते हैं, ट्रेप करते हैं। लेकिन हम दोस्तों एक नॉर्मल ट्रेडर हैं, ठीक है, एक लॉट, दो लॉट, ज़्यादा ज़्यादा 5 लॉट में काम करने वाले, ठीक है। तो हम ये स्ट्राइक प्राइस पे काम करें, और बढ़िया एक्सपायरी वाला माहौल है तो 50 पॉइंट का टारगेट या 50 पॉइंट का एसएल रखें, ठीक है, और इससे बड़ा टारगेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोमेंटम में हम भी फंस सकते हैं। क्योंकि मोमेंटम ट्रेप कहाँ पर होगा दोस्तों, मान लीजिए कि इसने 32,600 का लेवल ब्रेक किया और वो वहीं पर कंसोलिडेट करते रह गया, तो जो हमारा प्रीमियम है वो पूरी तरीके से डीके हो जाएगा, ठीक है। तो पुट राइडर और कॉल राइडर इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। तो एनालिसिस भी बता दिया और स्ट्राइक प्राइस भी मैंने दोनों को बता दिए, कॉल वाले को भी और पुट वाले को भी, ठीक है। और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहाँ से कुछ चीज़ें पूछ भी सकते हो हमें, ठीक है। और वहाँ पर भी डेली बेसिस पे इंट्राडे की टिप्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, तो बढ़िया से वहाँ पर भी आप लेवल लेके काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कल के लिए बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली बेसिस पे इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।